चलिए मैं ये छठा भाग में बताना चाहूंगा रोग खिदमा के बारे में। एक और कहानी मैंने सुना था कि पति पत्नी एक रहते थे, वो पति जो देव था वो हल जोतने चला गया और आपस में कुछ में हुआ और पत्नी के साथ में बोला कि मैं करता हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, तुम टाइम से नाश्ता क्यों ना लाई। पत्नी का थोड़ा सा नाश्ता ले जाने में लेट हुआ तो गुस्सा हुआ तो बोला कि अपना आपको मत समझिए कि मैं भी काम करके आ रही हूँ, मैं भी काम करके आ रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना, आप गुस्सा मत कीजिए। तो क्या बोल रहे कि अगर हम नहीं चलाएंगे तो नहीं हो सकता है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो तुम्हारा कैसे जीना अपना परिवार चलेगा, नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो पत्नी बोले ठीक है अगर तुम नहीं जोत सकते तो मैं भी जोत सकती हूँ। उसने क्या करते गुस्से से जोतना शुरू कर दिया, थोड़ा सा जोताई की तो गांव के कुछ लोगों ने इसको देखा जोतते हुए, उसके बाद में हल्ला, अरे अनहोनी हो गया, आज देखो दुनिया कहां से पलट रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, इस प्रकार के पूरे गांव में डंका पिटा गया कि भाई आप लोग गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी वाला है, गलत होने वाला है, देखो फलना का जो था वो उसका आदमी बैठा हुआ था, उसका आदमी नाश्ता कर रहा था और उसकी जो पत्नी है वो हाल चला रहे, ऐसा नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ बड़ा कारण हो सकता है, इसीलिए हम लोग को आप हमको क्या करना है गांव में इसकी अच्छाई के लिए हमको क्या करना होगा, एक रोग खिदमा का काम करना होगा। तो फिर वो रोग खिदमा का काम हुआ और भगा दिए। अब वो रोग खिदमा का हुआ रोग खिदमा इस गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, अब किस लिए हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी की जानकारी है किसी की नहीं जानकारी, अफवाह उड़ गया और चलते रहा। और अभी फिर मैं विशा अभी कुछ दिन के ही मैं घटना बता रहा हूँ, अभी जो कोरोना वायरस आया इस कोरोना वायरस के महा प्रकोप में एक कुछ दिन की घटना, मेरे को अभी डेट याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या हुआ किसी ने बताया, हवा उड़ा दिया, हल्ला उड़ा दिया कि एक बच्ची का जन्म हुआ और वो मतलब जन्म हुआ और बोला कि आप लोग चाय के साथ में तुलसी और नींबू या कुछ कुछ ऐसे चीज को डाल के पीजिए, आपका कोरोना वायरस प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लोग ऐसा कीजिए तो ठीक हो जाइएगा, और ऐसा बोल के कुछ ना कुछ बता के वो तुरंत जन्म लिया और तुरंत बोला और मर गया, वो बुढ़ा भी हो गया, बोला बड़ा बड़ा बाल होकर वो मर भी गया उसी दिन से। तो ये कुछ कुछ फोटो भी आया हुआ था, वो फोटो को माध्यम से बता भी रहे थे ऐसा, ठीक ना, और बहुत दिखाए थे। तो लोगों ने जब बताए तो रात में ही किसी ने क्या बोला 2-3 बजे मतलब हल्ला हो गया कि आप लोग को कोरोना वायरस से बचना है तो आप लोग इस प्रकार के चाय वगैरह पीजिए तब आपके ठीक हो जाएगा। अरे गांव को गांव में हल्ला हो गया, मेरा गांव तो थोड़ा चौक शहर में पड़ता है, मेरे घर तो मेरे को पता नहीं चला लेकिन बस्ती साइड में इस तरह से हल्ला हो गया कि आप उठो उठ के चाय वगैरह बना के पियो और नींबू वगैरह डाल के तुलसी वगैरह डाल के पियो तब आप कोरोना वायरस से बचोगे। तो फिर वो फिर रोग खिदमा का काम हुआ। तो इस प्रकार के अंदाजी अनाप शनाप हो रहे हैं, तो इन अनाप समाप से आज हम लोग को बचना है। कोई भी कुछ भी कह के हम आदिवासियों को बेवकूफ बना देता है। हम भोले भाले जरूर हैं लेकिन इतना मत भोले भाले मत बनिए कि ये दुनिया भोले भाले लोगों के लिए नहीं है, ये दुनिया भोले भाले लोगों के लिए क्रूर और दुष्ट है। मेरे भाई बहुत हो गया भोले भाला, तुरंत किसी के ऊपर हम लोग विश्वास कर देते हैं, कोई भी कह देते हैं विश्वास कर लेते हैं, ये पढ़े लिखे तो बहुत जल्दी और विश्वास कर लेते हैं, जो अनपढ़ है उसको तो बोल देते हैं भाई वो पढ़े लिखे नहीं है, वो जो बोला उसके हिसाब से कर लेते हैं और उससे वो जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि कौन किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो करना शुरू कर देते हैं। तो मैं पढ़े लिखे सारे सज्जनों से, सारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने समाज की जो अच्छाई है इस अच्छाई के लगातार हम लोग को बातें करना होगा, चर्चा करना होगा और चर्चा करते हुए हमको
एक सही दिशा देना होगा, सही राह देने के लिए हमको पहल करना होगा। तो चलिए मैं अगला भाग में बताऊंगा। जय धर्मेश।